हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर अगेन विद न्यू टॉपिक, दैट इज़ द डिविजिबिलिटी रूल। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस डिविजिबिलिटी रूल ऑफ सम नंबर्स यू आर सॉल्विंग फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस ऑल्सो, लाइक इन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्लासेस। यू नो वेरी वेल दैट वट आर द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1 to 10। ओके, 1 to 10, अगर आपके पास 1 to 10 से कोई भी नंबर को डिवाइड करना है, सो व्हाट आर द रूल्स। नाउ टुडे आई एम टेलिंग यू दैट डिविजिबिलिटी रूल 11 to 19। इसमें आपके पिछले वाले भी कुछ कवर हो जाएंगे जो आपके 1 to 10 हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। सपोज एनी नंबर इज गिवन देयर एंड यू हैव टू डिवाइड दैट नंबर by 11. So what are the rules? So rules are, suppose you have any number 1, 3, 3, 1 and you have to find out that whether it is divisible or not by 11. So rule is, firstly count the even and odd numbers. This is one place, dekho inke 4 like this. तो आप क्या करो, ओड वाले और इवन वाले इनको क्या करो आप ऐड। ओड पर क्या है आपके पास 1 and 3, 4 एंड इवन पर क्या है यहाँ पर भी 1 and 3, 4। अब आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस। अगर ये नंबर 0 आता है या फिर 11 से डिविजिबल आता है तो आपका ये नंबर डिविजिबल होगा 11 से, अदरवाइज नोट। क्या है आपके पास 11 का डिविजिबिलिटी रूल, इवन और ओड नंबर्स प्लेसेस पर जो भी आपके पास नंबर्स हैं उनको आप ऐड करो, फिर इवन वालों को ऐड करो, ओड वालों को ऐड करो, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करो। अगर वो 0 आता है या फिर 11 से डिविजिबल कोई भी नंबर आता है तो आपके पास वो नंबर क्या बनेगा, 11 से डिविजिबल। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज आई एम टेकिंग हेयर, सपोज 2, 3, 4, 6, 7 लाइक दिस। तो इवन पर ओड पर देखो ये हैं और इवन पर ये हैं आपके पास प्लेसेस, देखो तो 2 + 4 + 7 सो इट इज़ 13 एंड दिस इज 6 + 3, 9। इनको आप सब्ट्रैक्ट करो फिर। नाउ दिस इज 4, 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 11, सो दैट्स वाई दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 11। तो आप क्या करो, आप इसको डिवाइड कर देख लो। 11 2 = 22, 11 1 = 11, 11 3 = 33, नाउ 11 3 = 33, 4 इज रिमाइंडर, यहाँ पर भी 4 ही था हमारे पास। सो दैट्स वाई दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 11। अगर डिफरेंस यहाँ पर 0 या फिर 11 से डिविजिबल आता है ओनली देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11। ओके, सो दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। नाउ 12, विच नंबर विल बी डिविजिबल बाई 12? इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 3 and 4, इट मीन्स आपको 3 और 4 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ेगा वहाँ पर। तो वट इज़ द डिविजिबिलिटी, सपोज आई हैव अ नंबर 1, 7, 2, 8। ओके, आपको ये चेक करना कि क्या ये 12 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वट यू हैव टू चेक दैट वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट, और 3 से आपके पास कौन से नंबर्स डिवाइड होते हैं, वो नंबर्स जिनका सबका सम 3 से डिवाइड हो, मीन्स 1 + 7 + 2 + 8, 18, एंड 18 इज डिविजिबल बाई 3, सो दैट्स वाई ये नंबर 3 से डिविजिबल हो गया। 4 से आप क्या चेक करते हो, 4 से आप चेक करते हो लास्ट टू डिजिट्स, या तो आपके पास क्या हो 0, 0 हो या फिर डिविजिबल बाई 4 हो। अब 28
is divisible by 4, it means this number is divisible by 4. अब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, तो ये कंप्लीट नंबर आपके पास 12 से डिविजिबल होगा. तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, वो नंबर 3 एंड 4 बोथ नंबर से ही डिवाइड होना चाहिए. और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, उन नंबर्स को आप क्या करो, ऐड. अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो 3 से ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल हो गया. और 4 से क्या है, लास्ट टू डिजिट्स तो 0 हो दोनों, या फिर 4 से डिविजिबल हो. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज आई हैव एनी नंबर, यू कैन टेक, चॉइस इज योर्स, 4, 5, 2, 1, ये रख लो. ओके, सो 3 से चेक करो, इनको ऐड करो, 7, 9, 10. 10 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, एक भी नहीं. मीन्स या तो 3 हो या 4 हो, या दोनों ही डिविजिबल ना हो. इस केस में ना तो आपके पास 4 डिवाइड है, 4 से डिविजिबल है ये दोनों, और ना ही इनका सम डिविजिबल है. इफ़ यू आर टेकिंग हेयर 4, 52, ओके, सो ऐड करो इनको, 9 इज डिविजिबल बाय 3, इट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. अब आप चेक करो 4 से लास्ट टू डिजिट, 52 इज डिविजिबल बाय 4, यस, 13, 4, 52, ओके, सो इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, इट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, सो दैट्स वाई 252 इज डिविजिबल बाय 12, 12 टू जा 24, 12 वन जा 12, यहाँ क्या कंप्लीटली डिविजिबल. ओके, सो दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12. नाउ कम टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13. 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सपोज आपके पास है यहाँ पर एक नंबर 3, 1, 4, 6, 3, 1, 4, 6, तो 13 के डिविजिबिलिटी रूल में आपको क्या करना है कि आप देखो इसका लास्ट डिजिट. जैसे 7 वाले में आपने क्या किया था, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ पर क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है. कितना आ जाएगा, 24. अब जो रिमेनिंग नंबर है, अब उसमें क्या करना है, ऐड इसको, क्या आ जाएगा, 338. जब भी आपके पास 3 डिजिट नंबर्स, क्योंकि देखो इजी, इसको हमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 13 से, थोड़ा सा फिर से हमें कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी. अब फिर से ये रूल लगा लो, फिर से क्या करोगे आप, 8 को किस से करो, 4 से मल्टीप्लाई, 8, 4 जा 32. रिमेनिंग नंबर में क्या करो आप, इसको ऐड, 65. अब देखो क्या 65 13 से डिविजिबल है, यस, कंप्लीटली डिविजिबल है ये 13 से. सो इट मीन्स जो ये नंबर है ये 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा. ठीक है, सो इन दिस वे आपके पास ये 13 का डिविजिबिलिटी रूल आ गया. क्या है, जो लास्ट नंबर है, सपोज यू हैव एनी नंबर 3, 1, आप और कुछ रख लो, 3, 4, 1, 6, लाइक दिस, 5, 6, चॉइस इज योर्स, एनी नंबर. क्या करना है आपको, 6 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा, 24. इसको क्या करो आप, इसमें ऐड, इसमें जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 9, 6, 3. अगेन इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 9, 4 जा 36, 36 एंड 36, 72. अब आप देखो क्या 13 से डिविजिबल है, 72. अगर ये डिविजिबल है तो ओनली देन आपके पास ये नंबर डिविजिबल होगा. अब 72 से 13 तो डिवाइड नहीं, 13 से 72 तो डिविजिबल नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 13. सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13 इज दैट आप जो यूनिट प्लेस पर जो नंबर है आप उसको क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, जो रिमेनिंग नंबर है उसमें ऐड करो, फिर से अगर वो डिविजिबल है तो ठीक, अदरवाइज फिर से आप वही सेम प्रोसीजर अप्लाई कर दो. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 7.
नंबर इज डिविजिबल बाई 7. सो 7 से क्या होगा, अगर वो नंबर 2 एंड 7 बोथ नंबर्स से डिविजिबल है. सपोज आई हैव 3, 4, 3, 7 लाइक दिस. ओके, सपोज यहाँ पर आप और कुछ रख लो, 0. चॉइस इज योर्स. तो आप पहले ये देखो कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है. 2 से डिविजिबल कौन से होते हैं, यूनिट प्लेस पर क्या हो आपके पास, 0, 2, 4, 6, 8 मीन्स इवन नंबर हो. यहाँ पर तो ओड नंबर है, तो यहीं से हमें पता चल गया कि ये 14 से डिविजिबल नहीं होगा. अगर सपोज यहाँ पर अगर ऐसे होता तब एक केस तो बन गया. अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करो. 7 का क्या बताया था, आपको पता भी होगा 7 से क्या होता है कि जो यूनिट प्लेस पर नंबर है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ऐसा नहीं कि यहाँ 2 है तो 2 से, 4 होगा तो 4 से, नो, ऑलवेज 2 से ही मल्टीप्लाई करना है. तो क्या आ जाएगा, 4, तो 340. आपने इस 13 वाले में क्या किया था, 4 से मल्टीप्लाई इसमें ऐड किया था ना. यहाँ क्या करना है, 7 वाले में सबट्रैक्ट करना है. सबट्रैक्ट कर दो 336. अब फिर से ये बड़ा नंबर आ गया, तो आप क्या करो, फिर से वही 33. 6 का डबल क्या हो जाएगा, 12, 1, 2, 21. अब चेक करो कि क्या ये 7 से डिविजिबल है, यस. तो इट मीन्स ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा और ये 2 से भी है, इट मीन्स ये 14 से डिविजिबल होगा. तो 14 से आप कर देख लो. Now this is completely divisible. तो आपको क्या चेक करना है, 2 और 7. तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है आपके पास, कि इवन प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8. ओके, और 7 का यूनिट प्लेस पर जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, बाकी वाले में से सब्ट्रैक्ट करो और फिर चेक करो कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं. ओके, 15, 3 and 5, ये तो ईजी सा है कि वो नंबर 3 और 5 दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए. 4, 1, 5, सपोज दिस वन. ओके, अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको इसमें भी बताया था, 12 वाले में क्या था कि सारे नंबर्स को आप ऐड कर दो, 4 + 1 + 5, 10. अब 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3. अब आप क्या करो, सपोज यहाँ पर 0 है तो क्या आ गया, 9 इज डिविजिबल बाई 3. और 5 पर कौन से नंबर्स डिविजिबल होते हैं, जो 0 और यूनिट प्लेस पर क्या हो, 0 और 5. तो ये नंबर 15 से भी डिविजिबल होगा. ओके, वेरी इजी. नाउ 16 से आपके पास कौन से नंबर्स डिविजिबल होते हैं, लास्ट 4 डिजिट्स. आपके पास कोई भी नंबर है, 41646 है, तो आप लास्ट 4 डिजिट्स चेक करो कि ये 14 से डिविजिबल है, 16 से डिविजिबल है या नहीं. ओके, सो अगर ये सारे ही 4 डिजिट्स आपके 16 से डिविजिबल हैं तो वो कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल होगा. यहाँ आपको डिवाइड कर देखना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट वन इज 17 से आपको क्या करना है, सपोज एनी नंबर इज विद यू 3, एनी नंबर विद यू 3, 4, 6, 8. तो 17 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है आपके पास, आप इस नंबर को क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई, 3, 46. यहाँ से आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट. इसमें क्या किया था आपने, 14 में क्या किया था, 13 में क्या किया था आपने, ऐड किया था, 7 वाले में सबट्रैक्ट किया था. यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट. अब फिर से 3 डिजिट्स हैं, इसको आप फिर से वही कर दो. आप क्या करो, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से सबट्रैक्ट कर दो, 0 आ गया. इट मीन्स ये नंबर 17 से डिविजिबल होगा, या तो वो 0 हो या फिर 17 से डिविजिबल हो. अनदर यू कैन टेक, सपोज यू आर हैविंग 2, 4, 6, 7. ओके, 7 को आप मल्टीप्लाई करो
फाइव से 35, नाउ 1, 1, 2, अगेन आप इसको करो, 1 को किससे करो, 5 से सब्ट्रैक्ट करो, 16, 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 17, सो दैट्स व्हाई दिस नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 17, ओके. नाउ विद 8, 8 से आपको क्या करना है, विद 18, 18 से आपको डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा, जो नंबर 2 and 9 बोथ नंबर्स से डिविजिबल होता है, सो 2 का डिविजिबिलिटी रूल, वंस प्लेस डिजिट क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, और 9 का सबका सम क्या होना चाहिए, सेम लाइक एज 3, 9 का क्या होना चाहिए कि सबको अगर वो नंबर ऐड करोगे, डिजिट्स को ऐड करोगे, वो अगर 9 से डिविजिबल है, ओनली देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 9, एंड अगर दोनों से ही डिविजिबल है देन 18. नाउ अगर आपके पास 324, देखो 4 2 से डिविजिबल है, इट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, देन आप इनको ऐड करो, 3 + 2 + 4 = 9, इट मीन्स ये 9 से भी डिविजिबल है, इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर किससे डिविजिबल होगा, 18 से. नाउ नेक्स्ट वन इज 19, तो 19 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है आपके पास, सपोज 361, इसमें आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस डिजिट को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो बाकी नंबर है उसमें क्या करना है आपको, उसको ऐड, तो क्या गया 38, अब 38 19 से डिविजिबल है, इट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 19, ओके, 361, तो ये 19 से डिविजिबल होगा, ओके. सो स्टूडेंट्स, दीज आर योर डिविजिबिलिटी रूल, दीज नंबर्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर फर्दर स्टडीज, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इन योर एग्जाम ऑल्सो, वाइल यू डूइंग योर एग्जाम एट दैट टाइम ऑल्सो, आप क्या करते हो, 19 को 19 से मल्टीप्लाई करते हो, अगर आपके पास 300 है उसको आप 2 से डिवाइड कर देखते हो, 2, 320 है, लाइक दिस, तो आप क्या करो वहाँ पर, चेक कर लो कि ये किस नंबर से डिविजिबल है, देन इजी कैलकुलेशन हो जाएगी आपके पास, ओके.